हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं, वाह बेटे मौज कर दी, ट्रेंडिंग मीम्स, इंडियन मीम्स फ्रॉम दी चैनल बी बॉय मीम्स। तो इनके चैनल पे आज हम आ गए हैं मीम्स देखने के लिए, बढ़िया वाले। एंड ऑल्सो इनके चैनल पे जब हम पिछली बार आए थे, इतने बढ़िया मीम्स आए थे, आई जस्ट स्वेयर की बहुत सही। और इसके बाद जो भी इनके चैनल पे मीम्स आए, तो इतने ज्यादा क्या बोल सकते हैं, कॉपीराइटेड सॉन्ग्स थे, तो दैट इज व्हाई वी कुडंट क्या बोल सकते हैं, रिएक्ट टू देयर मीम्स। बट इस टाइम आई होप, आई गेस एक एक सॉन्ग, आई गेस एक ही वीडियो क्लिप पे कोई कॉपीराइट है, सो वी विल बी रिमूविंग दैट। आई होप सो फॉर दैट। सो लेट्स सी हाउ द मीम्स फ्रॉम द चैनल बी बॉय मीम्स आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। जरा पीछे मुड़ कर देखो, एक सफेद गाड़ी नजर आ रही है। इसमें मेरी मौत आ रही है। अच्छा, आज एक बड़ा साथ गया है क्या? ही चल रहा है भाई, गाड़ी में ये सारी चीजें। वाह 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 वाह। अब चलाओ, अब हमने दी सक्तियाँ तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में चले गए। अब हवा में रुक गए तो ग्रेविटी काम है इसमें। ग्रेविटी कहीं मौजूदा नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड आ गया, आई विल टेल यू, ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड आ गया, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ बेटा, तुम्हें पूरा साल में मैथ्स अच्छा लग सकता है। मैं इसका गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स में से, तुमको पता है, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स में से ये आ गया, तुम्हारा साल का बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, चलो इसके बाद सेट करेंगे हम। क्या बोलो अभी यार, मग, थोड़ा सा नदी का पानी और अब इसमें निचोड़ो थोड़ा सा डंग। इस डंग में से ये घास निकाल रहा हूँ, ये हाथी से पची नहीं होगी, तो इसमें अब भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे और ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। इसे भी हम चाय में डाल देते हैं। हाथी के गोबर की चाय, एलिफेंट पूटी। अच्छी थी, मजाक मत करो। नहीं, सच में अच्छी थी। अच्छा, ओ वहाँ देखो, हरियाणा के रेवाड़ी से शादी से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दूल्हे ने सात फेरे लेने के बाद दुल्हन को साथ ले जाने से इंकार कर दिया। क्या हुई? दरअसल जब दूल्हा दुल्हन खाना खाने गए थे, तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। दूल्हे ने अपनी पत्नी को काजू कटली खिलानी चाही, लेकिन दुल्हन का कहना है कि उसे गाजर का हलवा पसंद है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई, तभी दूल्हे ने दुल्हन को साथ ले जाने से मना कर दिया। जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करा। आज तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या कोई खास बात है? मेरे मॉम और डैड आज किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, आज रात मैं घर पर अकेली हूँ। वाओ, क्या तुम आज घर पर बिल्कुल अकेली रहोगी शिजुका? हाँ बिल्कुल, शिजुका तो एक लड़की है। और आइडिया, मैं रात को तुम्हारे घर आ जाऊँगा। क्या तुम तो शिजुका को बहुत बोर कर दोगे, अब मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। नहीं, ये काम सिर्फ मैं करूँगा, शिजुका मैं इन दोनों जोकरों से बहुत अच्छा हूँ। मैंने सबसे पहले कहा था। तो उससे क्या फर्क पड़ता है नोबिता? तुम दोनों अपनी टांग मत अड़ाओ, कोई नहीं आएगा।
सुगी देखी सुगी आने वाला है भाई देखी सुगी हाउ वाज पेपर पेपर कैसा गया आप लोग का बहुत अच्छा गया अच्छा संविधान कब लागू हुआ था 2 बजे एकदम अरे यार तो क्या ही बोले यार खूबसूरत लड़के को कुछ बोल भी नहीं सकते ना वो रिपोर्टर कन्फ्यूजन में क्या बोल के चली गई लंबे टाइम तक सेक्स ना करने की वजह से आपके न्यूरॉन्स भी ढंग से काम नहीं करते जिससे आपका दिमाग अच्छे से चलेगा नहीं और यही तो कारण है वही तो। तभी तो मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ सोचो अगर मैंने सेक्स किया होता तो कितने भयंकर मार्क्स आते मेरे मेरी मत सुनो आप एग्री करो आप कर रहे हो ना एग्री अब पापा से बात करो तो बस लाओ 6,000 रुपए रशियन मांगो डिड यू हियर द जोक अबाउट एक्सपीरियंसिंग डेजा वू नो Did you hear the show, the joke about experiencing deja vu? Where's the joke? This is deja vu. Bar bar ho raha hai na. Kya gande jokes? Ye moment bar bar ho raha hai na. Kaun sa moment? The experience of experiencing a deja vu. Huh? Mere ko bhi samajh nahi aa raha hai kuch kya ho raha hai. Roshan bhabhi. बॉम्बे से अमृतसर एक फ्लाइट है पर वाया दिल्ली है 3:30 बजे की उसमें एक सीट मिल रही है बुक कर दूं हाँ बेटा साहब आप बुक कर दीजिए मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ अरे पैसे की चिंता छोड़िए ना सबसे पहले मुझे टिकट बुक करने दीजिए इसमें तो वैसे भी क्रेडिट कार्ड नंबर देना है जी जी जरा आपकी स्पेलिंग बोलिए AAP क्या है AAP जल्दी से बताइए कि भारत आजाद कब हुआ था सवाल तकलीफ पहुंचाते हैं नहीं बता आपको आपको आपका नाम मालूम है कन्याला ये देखिए ये है हमारे देश का युवा जिसे ये नहीं मालूम कि देश आजाद कब हुआ ये युवा कहाँ जाएगा धिक्कार है हम पर मुझे ये बताइए कि भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका था मोदी जी का ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे सारा नाज अपना 75 हार्ड का तीसरा दिन भाई 2 दिन से रोता है एडमिट था ट्रीटमेंट घर चल रहा है भाई माल्टा मस्ती पी का मैं फ्रेश होने चला गया फ्रेश होने गया तो भाई ग्लूकोज साथ लग रही थी भाई मेरी गेंद जाई लगी भाई मना के चक्कर फिर भाई जैसे तैसे करके होका भरिया फिर पिया ताऊ के साथ मौका ताऊ बोला डॉक्टर ने तेरी हालत गंभीर बताई है राखी बेचनी आये मेरे भाण ने तो मन नहीं खरीदी फिर मैं आगे हाथ के रोड को भाई माल्टा मस्ती के साथ फिर मैं बैठ गया चंड सहेली पढ़ने उसमें पढ़िया झाटू बाल भी काटा कर अपने फिर भाई मैं चला गया बाथरूम अपने बाल काटने भाई सारी बनी सारा जंगल साफ करके मैं ट्राई करी मुठी की भाई टोपा टोपा आने लग गया लाड़ ले फिर भाई शाम ने फिर ट्राई करी मन शाम ने फिर टोपाया फिर भाई मेरे यार दोस्त मन घसड़ा के ले गए भाई बाबा दे आते न्यू लाड़ ले फिर उन्हें भाई अड्डा पटक के भाई मेरे तलवे में थोड़ी मन आया उस भाई उन्हें दी मेरे तक डोज डोज में भाई उन्हें दिया सिगरेट माल्टा मस्ती का पौआ फिर भाई शाम ने मार दिया हाथ के रोड फिर गए भाई फिर मैं बैठ गया चंड सहेली पढ़ने बोले ट्राई कर का लाड़ ली बढ़िया मुठ्ठी ला गई भाई फिर देख लो भाई साहब खून आए भाई साहब मुठ्ठी में फिर भाई मैं घिसड़ घिसड़ के गेंद कटा मुश्किल तो भाई बैठ तक पहुंचा भाई आज का पंप आप देख ही सकते हो भाई कति मरण में हो रहे हैं फिर भाई हाथ जोड़ के बाबा जाए मुश्किल तो सोए लाड़ ले चुप करके नहीं मंगते साइकिल
यार ठीक है, बी बॉय मीन्स स्टार्टिंग वाले मीन्स बहुत सही थे, आई जस्ट लव दैट, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना बी बॉय के मीन्स बहुत सही होते हैं, स्टार्टिंग के जो मीन्स थे भाई लिटरली आई लव दे, वो स्टार्टिंग के मीन्स के लैम्प जो मीन्स बरी था, एंड ऑल्सो इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था बाकी तो बी बॉय मीम्स, मतलब जब भी दो तीन बार इनके चैनल पे आए हैं तभी मैंने मतलब अच्छे मीम्स देख के ही इनके चैनल से निकली हूँ मैं, एंड आई लव बी बॉय मीम्स, आई सच्ची बहुत खतरनाक सरकैज़म होता है इनके वीडियोस में मीम्स में, सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोज चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट, थैंक यू।